माय लवलीज़, कैसा लग रहा मेरा ये लुक एंड ड्रेस आप मुझे बताइएगा। एंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गर्मियों में आप किस तरह से मेकअप करें कि आपको पसीने वाला प्रॉब्लम ना हो, पसीने से आपका मेकअप बहे नहीं। बहुत ही अच्छा और आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, आप प्लीज़ देख करके फॉलो करिए वीडियो को पूरा। आज के अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। एंड देखिए मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस क्लीन किया है एंड यहाँ पे एक बाउल में वाटर लेकर के एंड आइस का ये क्यूब ले लिया है एंड इसे डाल दिया वाटर में। एंड इस तरह से ये फेशियल वाला स्पंज है, इससे मैं मेकअप रिमूवर स्पंज भी इसको बोलते हैं। इस तरह से अपने चेहरे को इस तरह से मैं पोंछ लूँगी इससे ठंडे पानी से। आपके पास जो भी कॉटन का कपड़ा रुमाल वगैरह उससे भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं इसमें अपना फेस डिप करूँगी, इसी वजह से हमारे फेस में पसीना वगैरह नहीं आएंगे मेकअप के बाद। एंड इस तरह से मैं इसे पोंछ लूँगी अच्छे से। एंड सबसे पहले मैं अपने फेस पर ये सीरम अप्लाई करूँगी, गुड वाइब्स का रोज़िप सीरम। एंड उसे अच्छे से पूरा फेस पे अप्लाई करना है इस तरह टाइट करके हैंड को। एंड मॉइस्चराइज़र एम के माइंड का ये कॉफ़ी वाला मॉइस्चराइज़र है, इसे आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए अपने फेस में। सीरम और मॉइस्चराइज़र मस्ट है, प्राइमर तो बहुत ही ज़रूरी है, इसे लगा लीजिए। इनसाइड का प्राइमर है, बहुत ही अच्छा है एंड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये इन कलर का अंडर आई कंसीलर है, इसे आप इस तरह से अप्लाई कर लीजिए अपने अंडर आई पे डार्क सर्कल वगैरह को हाइड करने के लिए ये लगाया जाता है। एंड देखिए पूरा जो भी एरिया पे आप लगाएंगे वो उभर के लगता है। एंड मैंने वही बर्फ़ वाले वाटर में डिप करके अपने स्पंज को, ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरह से थोड़ा निचोड़ लिया, अच्छे से वेट करना, पूरा निचोड़ लेना है। इस तरह से अपने जो मेकअप आपने लगाया है उसे अच्छे से पूरा ब्लेंड करना है। एंड 303 ऑरेंज कंसीलर तो बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स, इसे आप अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे हर तरफ इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। एंड देखेंगे फिर आप रिज़ल्ट, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसके अप्लाई करके, पूरे पिगमेंट वगैरह जितने दाग धब्बे सब हाइड हो जाते हैं। एंड फिर ये आईब्रोज़ वाला पेंसिल है इनसाइड का, इससे मैं शेप बना लूँगी अपने आईब्रोज़ में। इस तरह से देखिए मैं आपको बहुत ही पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से आप शेप बना लेंगे ना, इसके बाद आप आईब्रो देखेंगे बहुत ही अच्छा उभर के दिखेगा। एंड इस तरह से जैसे मैंने प्रोसेस आपको बताया उस तरह से आप मेकअप करेंगे ना तो आपका मेकअप बिल्कुल भी पसीने में नहीं बहेगा। एंड फिर मैं यहाँ पे पैलेट लेकर के ब्राउन कलर से, अगर आपके पास ये नहीं है तो आई शेडो से ब्राउन कलर लेकर के इस तरह से पूरा अच्छे से फिल कर लेंगे अपने आईब्रोज़ पर। एंड यहाँ पर मेरा ड्रेस था पर्पल, डार्क पर्पल कलर का, तो मैंने क्रीज बना लिया आई शेड पैलर से डार्क पर्पल कलर लेकर के। इस तरह दोनों तरफ क्रीज अच्छे से बना लेना ब्लेंड करके। एंड लाइट पर्पल इसके नीचे फिल कर लिया अपने आईबॉल के पास एंड इनर आउटर कॉर्नर पे अच्छे से पूरा लगा लिया। एंड फिर मैंने मैजेंटा कलर का ग्लिटर अप्लाई कर लिया, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था मेरा जो ड्रेस है जो मैं वेयर करूँगी वो पर्पल कलर का है एंड पाकिस्तानी लुक वाला ड्रेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छा है, मैंने ईद में लिया था, बहुत ही अच्छा वो ड्रेस है। इस तरह से फिर मैं अपने लोअर लेस लाइन के नीचे पर्पल कलर से थोड़ा सा लाइन कर लूँगी। एंड यहाँ पे मैंने इन कलर का एकदम जेट ब्लैक कलर का लाइनर लिया, इससे मैं आईलाइनर लगा लूँगी। इस तरह से अपना लाइनर कंप्लीट करके मैं फिर इन कलर का ये काजल बहुत ही अच्छा है इसको फिर मैं अप्लाई कर लूँगी अपने अपने लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से। इस तरह से देखिए आप बहुत ही अच्छे से अप्लाई करिए सब कुछ। एंड फिर ये आईलैश कर्लर, इससे मैं अपने आईलैश को कर्ल्स करूँगी एंड फिर मैं वो भी लगाऊँगी आईलैशेस भी अप्लाई करूँगी, बट पहले मैं मस्करा वगैरह अप्लाई करके पूरा मेकअप करने के बाद मैं आईलैशेस वेयर करती हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से आप मस्करा भी लगा लीजिए, पहले आईज़ का मेकअप करिए उसके बाद फेस का। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके आईज से कुछ भी पार्टिकल्स गिरते हैं तो सब फिर साफ़ हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इन कलर का फाउंडेशन लिया हुआ था एंड वो
वो लिया था, प्राइमर लिया हुआ था, वो दोनों को मिक्स करके इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई किया। देखिए उसी वाले ब्यूटी ब्लेंडर से कितना अच्छा लुक आया है, पूरा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड यहाँ पे टीपी पाउडर ले लिया इनसाइड का, उससे मैं अपने फेस को पूरा सेट करूँगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए। एंड अच्छे से सेट करने के बाद मैं यहाँ पे फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स करूँगी। गर्मियों में एकदम मेकअप फिक्सर ज़रूरी है, आपका मेकअप एकदम सेट रहेगा। कॉन्टोर कर लेंगे इस तरह से, कॉन्टोरिंग से जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करिएगा, तो ऐसा ही आपका फेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लुक दिखने लगेगा कॉन्टोरिंग के बाद। अपने ब्यूटी ब्लेंडर को जो वेट किया है उसे अच्छे से एकदम निचोड़ करके इस तरह से ब्लेंड करिएगा कॉन्टोर को, तो आपका बहुत ही अच्छा मेकअप दिखने वाला है। इस तरह से पूरा ब्लेंड कर लिया मैंने, देखिए फ्रेंड्स। एंड ऊपर अपने नोज़ के एरिया में एंड सब तरफ मैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड अभी छुट्टियाँ लग गई है तो फिर मैं जा रही हूँ थोड़ा आउटिंग पे घूमने वगैरह, तो मैंने सोचा अपना वीडियो ये अलग शूट किया तो डाल दूँ, आपको गर्मियों में मेकअप करने में परेशानी नहीं होगी। फिर मैंने वापस से इनसाइड का ये टीपी पाउडर लिया एंड पूरे फेस पर इस तरह से जैसे मैं अप्लाई करी वैसे लगाना। इन कलर का ये नेचुरल ब्लशर है, मैं थोड़ा नेचुरल सा मेकअप कर रही हूँ गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे हाइलाइटर फॉरएवर का है, इसे अप्लाई कर लिया था अच्छे से पूरा चीक बोन पर। एंड अपने हाईलाइट पॉइंट पर आप इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए। एंड लिपस्टिक लगाने से पहले लिप्स को लाइन जरूरी है करना फ्रेंड्स, बिना लिप्स को लाइन किए आपका लिपस्टिक बहुत ही अजीब सा लगता है, एंड शेप वगैरह दिखता नहीं है लिप्स का। देखिए इस तरह से लाइन करके शेप बना लीजिएगा एंड उसके बाद ही आप लिपस्टिक फिल करिएगा। ये 06 कलर का ये लिपस्टिक है, बहुत ही न्यूट शेड है, मेरा फेवरेट कलर है ये। मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, परचेस लिंक। एंड देखिए इस तरह से मैंने इस शॉप से परचेस किया था, बहुत ही अच्छा कलर है। एंड मेरे ड्रेस जो मैं पहनने वाली इसमें जाएगा बहुत। एंड फिर सब करने के बाद मैं अपना ड्रेस एंड फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने ड्रेस पहन लिया, बहुत ही अच्छा मेरा ड्रेस था। एंड हेयर स्टाइल बना लिया, ज्वेलरी वगैरह अटैच किया। एंड यहाँ पर अपने हेयर्स को कर्ल्स किया बहुत ही अच्छे से, थोड़े थोड़े हेयर्स को लेकर के अच्छे से कर्ल्स करना है। एंड देखिए अच्छा लग रहा है ना मेरा मेकअप, अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। इस तरह से मैं थोड़े थोड़े हेयर्स को लेकर कर्ल्स कर लूँगी, कर्ल्स करने के बाद थोड़ा अच्छा लुक आएगा। हेयर स्टाइल कैसा लग रहा आप बताइएगा। एंड यहाँ पे मैंने मांग टीका वगैरह भी अटैच किया, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अपने नेक पे जो मैंने नेकलेस पहना वो नहीं पहनिएगा। देखिए मेरा फाइनल लुक कैसी लग रही हूँ मैं एंड मेरा हेयर स्टाइल। एंड मैं अगर अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ एंड मुझे बहुत आगे तक जाना है। अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कमेंट करके। एंड इस तरह से आप गर्मियों में मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जैसा कि मैं मेकअप करी वैसे ही एकदम मेकअप रहेगा, बिल्कुल भी पसीने से बहेगा नहीं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा